नमस्कार आप सभी का स्वागत है ई विद्या चैनल नंबर नाइन में मैं हूं आपके साथ रूपकुल श्रेष्ठ और इस सत्र में हमें खास विषय के साथ आपके साथ जुड़ चुके हैं हम आज बात करेंगे क्लास नाइन्थ के चैप्टर आम चुनाव पर और आम चुनाव 2024 जब भी हम चुनाव की बात करते हैं तो हम चुनते हैं एक अपना लीडर और ये कुछ इस तरीके से है ना जब आप स्कूल में होते हैं तो आप जब मॉनिटर चुनते हैं या फिर अपना लीडर चुनते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं कि हमारा लीडर किस तरह का होना चाहिए और फिर ऑफिस में भी जब आप देखते हैं काम करते हैं तो आपको लगता है टीम लीडर में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए इस पर्सन में ये क्वालिटीज़ हैं और हमें उन्हें चुनना चाहिए है ना तो काफ़ी सोच विचार करने के बाद आप अपना लीडर चुनते हैं और जब बात हो देश की तो फिर ये सोच विचार तो आपको करना ही होगा और किस तरीके से आपको अपना लीडर चुनना चाहिए किस तरह की आपको एक भूमिका निभानी चाहिए हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और उसके बारे में भी हम जानेंगे कि हमारे देश में चुनाव किस तरह से होते हैं क्या प्रक्रिया होती है इन सब पर हम जानकारी देंगे और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है स्वागत है सर आपका आप हमारे साथ गोपाल प्रसाद शाही जी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय यमुना विहार दिल्ली स्वागत है सर आपका नमस्कार कैसे मैडम आप? आपका और सभी बच्चों को भी मेरा नमस्कार और साथ ही आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अगर जुड़े हैं कुछ सवाल जहन में आते हैं तो बिल्कुल अपना सवाल पूछने से हिचकिचाइएगा बिल्कुल नहीं आप हमें कॉल कर सकते हैं एट एट जीरो जीरो फोर फोर ज़ीरो फाइव फाइव नाइन ये हमारा नंबर है और साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं हमारी मेल आई है डी टी एच डॉट क्लास नाइन एट सी आई टी डॉट एन आई सी डॉट इन तो बहुत ही ख़ास आज का ये जो चैप्टर है वो होने वाला है हम बात करेंगे चुनाव के बारे में और किस से चुनाव होते हैं और किस तरीके से आपको अपना लीडर चुनना चाहिए और किस तरह की, -की भूमिका आपको निभानी है इस पर बातचीत होगी तो सर सबसे पहले तो शुरुआत इसी के साथ कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और लोकतांत्रिक देश है हमारा तो उसके क्या मायने हैं बि, बिल्कुल और सभी बच्चों को एक बार पुनः मेरा नमस्कार और प्यारे बच्चों इस टॉपिक पे मैं आऊँ तो एक स्लाइड के माध्यम से मैं कुछ जैसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे आप देखेंगे तो ये हमारा जो पुराना पार्लियामेंट है एक तरफ वो दिखाया गया है और दूसरा दूसरी तरफ जो है जो हमारा नया पार्लियामेंट अभी लास्ट ईयर तैयार हुआ है सेंट्रल विस्टा उसे दिखाया गया है और आप अब देखें कि डेमोक्रेसी जैसे हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है हमारे देश में डेमोक्रेसी है तो बेसिकली डेमोक्रेसी क्या होती है इसको समझने के लिए इस स्लाइड के माध्यम से कुछ चीज़ें बताई गई हैं अब जैसे आप देखें कि पहला है कि हु रूल्स कौन शासन करता है अगर है नॉन की कोई भी इस तरह से मैंने किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को किसी इंस्टीट्यूशन को हम कह नहीं सकते हैं कि, कि किसी देश में यह जो है ना शासन कर रहा है तो वहाँ पे उस तरह की अगर व्यवस्था किसी भी देश में होती है अनिश्चित सत्ता किसी निश्चित व्यक्ति या संस्था के हाथों में नहीं होती है तो हम उसे कहते हैं एक तरह से जो है एन यानी अराजकता है वहाँ पर दूसरी तरफ अगर है वन अगर ये सत्ता एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित है तो उसे हम कहते हैं या तो मोनारकी कह सकते हैं या फिर डिक्टेटरशिप ताना सही शासन व्यवस्था हो सकती है या फिर वो आपको जो है ना राजतंत्रीय शासन व्यवस्था हो सकती है उसी तरह से अगर सत्ता कुछ लोगों में है तो दो चीज़ें हो सकते हैं एक है ओलीगार यानी जिसे कुलीन तंत्र कहते हैं यानी इफ यू पीपल ऑफ़ द कंट्री रूल ओवर द कंट्री और जुनटा हो गया कि अगर कुछ जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं उनके हाथों में अगर सत्ता होती है तो हम उसे कहते हैं झुंडा और अगर किसी भी देश में सभी लोगों के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मान लो कि सत्ता में भागीदारी या लोग निभाते हैं या सभी लोगों की अपनी अपनी भूमिका होती है तो उस तरह की व्यवस्था को हम डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र कहते हैं और हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र भी दो प्रकार का होता है एक है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अगर किसी भी देश में जनता सीधे सीधे सत्ता में भागीदार होती है या जनता स्वयं सत्ता का संचालन करती है तो हम उसे कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी हालांकि आई दुनिया के अधिकांश देशों में चूंकि आबादी अधिक है तो इस वजह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी वो चलन में नहीं है केवल स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन्स में जस्ट लाइक इंडियन डिस्ट्रिक्स जहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ये केवल आपकी सूचना के लिए है बाकी दुनिया के अधिकांश देशों में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है यानी हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाया जाता है तो आप कह सकते हैं कि जैसे एक बड़ा ही फेमस कोर्ट है आपको के डेमोक्रेसी गवर्नमेंट वेयर हर वन की भागीदारी होती है या डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल आप देखेंगे तो यह किसकी सरकार है जनता की सरकार है किसके द्वारा चुनी जाती है जनता के द्वारा चुनी जाती है और किसके लिए चुनी जाती है तो जनता के लिए चुनी जाती है तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की होती है तो वो जनता की होती है किसी भी देश की जनता जितनी जागरूक होगी न केवल अपने अधिकारों के प्रति बल्कि मैं समझता हूँ अपने कर्तव्यों के प्रति तो उस देश में लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा उतना ही फलेगा फूलेगा और प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो सरकार होती है किसी भी देश में उसके तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स होते हैं लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल और तीनों के अलग अलग रोल जो है देश के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड होते हैं जैसे जो विधायिका होती है उसका काम होता है कानून को बनाना एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो विधायिका के द्वारा कानून बनाए जाते हैं उन कानूनों को लागू करना और न्यायपालिका मैंने कानून की व्याख्या करना या दो व्यक्तियों के बीच में दो संस्थाओं के बीच में या केंद्र और राज्यों के बीच में किसी किस्म का विवाद है तो उन विवादों को सुलझाने का काम न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है खैर आज हम लोग बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव की तो हमारे देश में प्यारे संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणाली में आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश में पार्लियामेंट के जो कंपोनेंट तीन कंपोनेंट्स होते हैं प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों से मिलकर के संसद का निर्माण होता है अब अगर आप देखें तो जैसे 2024 में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और बेसिकली मैं चाहूँगा कि सभी बच्चे ध्यान से इस चीज़ को देखें जाने समझें बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी अगर हम लोग लोकसभा की बात करें तो यह हमारे देश का जैसे कहते हैं ना कि हमारे देश की जो पार्लियामेंट है या जो लेजिस्टर है वो टू चैम्बर्स है या बाई कैमरल है यानी जहाँ पे दो चैम्बर्स होते हैं उसको बाई कैमरल कहा जाता है कौन कौन से लोक सभा और राज्यसभा लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है और राज्यसभा को अपर हाउस भी कहा जाता है तो लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या पाँच होती है और इस वक्त जो है जैसे पाँच सदस्यों का जो है ना पाँच सदस्यों में से पाँच का चुनाव होता है यानी पूरे देश को कुल मिलाकर 543, ठीक है पार्लियामेंट्री यानी छोटे छोटे जो जोग्राफल यूनिट्स होते हैं उसमें बांटा जाता है और हर एक कॉन्स्टिचुएंसी से एक व्यक्ति का चुनाव होता है और राज्यसभा में इस वक्त जो है 245 सदस्य हैं उसमें 233 सदस्यों का विभिन्न राज्यों की विधायिका के द्वारा चुनाव होता है और 12 सदस्यों का मनोनयन होता है नॉमिनेशन होता है किसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा पहले लोकसभा में भी इस तरह की व्यवस्था थी कि एंग्लो इंडियन समुदाय के दो लोगों का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था लेकिन अभी दो पहले ही उसको खत्म कर दिया गया है तो अब हम लोग कहेंगे कि लोकसभा के कुल 543 सदस्य हैं जिनका चुनाव देश की जनता के द्वारा सीधे सीधे किया जाता है तो आप देख सकते हैं कि एक स्लाइड में जो है हमारे देश में जो पाँच लोकसभा की सीटें हैं उसको राज्यवार दिखाया गया है कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं और कितनी सीटें आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हैं तो आप देख सकते हैं कि कुल मिलाकर के 543 जो हमारे देश में 28 स्टेट्स हैं और एट यूनियन टेरिटरीज हैं तो अट्ठाईस राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों से कुल मिलाकर के पाँच सदस्य चुनकर आते हैं और उन पाँच सदस्यों में से चौरासी सीटें 84 फोर सीट्स आर रिज़र्व फॉर एस सीज एंड वेयर एज फोर्टी सेवन सीट्स आर रिज़र्व फॉर एस टी अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो सीटें शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व हैं वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ उसी कास्ट के लोग चुनाव लड़ सकते हैं जबकि उस कॉन्स्टिचुएंसी में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोग चुनाव में भाग लेते हैं मतदान करते हैं लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि कैंडिडेट केवल उसी जो है आपको कैटेगरी से आएंगे जिसके लिए वो सीटें आरक्षित हैं तो प्यारे बच्चों आप लोगों को पता होगा कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और चुनाव की जैसे आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र का सबसे जो बड़ा पर्व होता है वो चुनाव होता है और अभी हमारे देश में जो 18वीं लोकसभा है उसका चुनाव प्रारंभ हो चुका है पिछले महीने की 19 तारीख सॉरी पिछले महीने की नहीं इसी महीने की उन्नीस तारीख को जो है पहले फेज का इलेक्शन हुआ और दूसरे फेज़ का इलेक्शन आज हो रहा है ठीक है तो कह सकते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव एक महापर्व होता है सबसे बड़ा पर्व होता है और देश की सभी जनता इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं और लेना भी चाहिए तो मुझे लगता है कि जब आप लोग भी 18 वर्ष के हो जाएंगे जब आप लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जाएगा तो मुझे लगता है कि आप भी जिम्मेदारी से अपने जो है ना मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं या कैसे करें तो मुझे लगता है कि उसके लिए ज़रूरी है कि कुछ महत्वपूर्ण बातों को आप पहले से जानें समझें और एक जिम्मेदार नागरिक बने तो चुनाव वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और हलचल जो है वो शुरू हो चुकी है तो आप भी देखते होंगे कि सब कुछ न्यूज में चल रहा है कि किस तरह से क्या होना चाहिए नहीं। नहीं। आप देखते हैं पार्टीज है, दिफ्रेंग दिफ्रेंग पार्टीज हैं हैं डिफरेंट डिफरेंट और उनके बीच में आ, कौन चल रही है कौन पार्टी चुनाव जीतेगी कौन देश के प्रधानमंत्री होंगे बहुत सारी बातें आप लोगों के जहन में होगा हालांकि देश में चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी जिस संस्था के ऊपर है वो संस्था है आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना पच्चीस जो है जनवरी 1950 को की गई थी देश में चुनाव संपन्न कराने की जिम्मेदारी इसी संस्था के ऊपर है पहले हालांकि हमारे देश में चुनाव आयोग एकल सदस्यीय होता होता था एक होता था एक लेकिन बाद में उन्नीस में बहुसदस्यीय बना दिया गया और मौजूदा समय में तीन इसके सदस्य हैं आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से जैसे ज्ञानेश कुमार जो चुनाव आयोग के सदस्य हैं दूसरे एक हैं सुखबीर सिंह संधु और तीसरे राजीव कुमार हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं यानी सभी महत्वपूर्ण निर्णय चुनाव से संबंधित चुनाव आयोग के द्वारा लिया जाता है तीनों के पावर जो है ना वो इक्वली होते हैं और जो सीनियर मोस्ट होता है वो मुख्य चुनाव आयोग आपको होता है तो प्यारे बच्चों अब आप अगर देखें तो हमने कहा कि हमारे देश में कुल मिलाकर के अब तक जो है ना सत्रह लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं 1952 से लेकर के 2019 तक और 2024 में जो है ये लोकसभा की अठारहवी चुनाव है 19 अप्रैल से ये चुनाव प्रारंभ हो चुका है और एक जून को समाप्त होना है चार जून को इसका रिजल्ट आएगा और कुल मिलाकर के आप देखें हम तो देख चौवालीस दिन फोर्टी डेज जो है ना ये चुनाव चलना है काफी जो है ना लंबा पीरियड चुनाव कब हुआ और उसके बाद सकते हैं कि कब कब चुनाव हुए हाँ और अब तक जैसे कि सर ने बताया कि 18 चुनाव सत्रह सत्रह अठारहवा चुनाव हो रहा है बिल्कुल, बिल्कुल तो इसके साथ साथ हाँ हम अब आप देखें एक स्क्रीन के माध्यम से हमने बताने का प्रयास किया है कि भाई जो सात चरणों में चुनाव होने हैं किसकी स्थिति को और कितनी सीटों के लिए जैसे है मान लो कि फर्स्ट फेज है तो उसमें है कि नाइनटीन अप्रैल को चुनाव संपन्न हो चुका है और 102 टू कॉन्स्टिचुएंसीज के लिए 21 स्टेट्स में वो सीटें बटी हुई है हमने जैसे प्रारंभ में ही कहा था कि पूरे देश को पांच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिचुएंसीज में बांटा गया है ठीक है और चूंकि बहुत बड़ा देश है करोड़ों की संख्या में मतदाता मतदान करते हैं तो इसके लिए बहुत सारे मैंने इलेक्शन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो ये मुमकिन नहीं होता है इतने बड़े देश में कि एक ही डेट में सभी राज्यों में सभी सीटों के लिए चुनाव हो तो इसलिए उसको चरणबद्ध तरीके से किया जाता है फेज वाइज किया जाता है ताकि फ्री और फेयर इलेक्शन हो किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और सभी लोग निष्पक्ष होकर के निर्भीक होकर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें तो यह सुनिश्चित करना चुनाव आयोग का काम है तो कुल मिलाकर के जो 2024 का लोकसभा का चुनाव है यह सात चरणों में संपन्न होना है फर्स्ट चरण का हो चुका है दूसरे जो फेज का चुनाव है वो आज हो रहा है और लास्ट चरण का जो लास्ट फेज का इलेक्शन है वो फर्स्ट जून को होगा और फोर्थ जून को इसकी काउंटिंग होगी

हिस्सा लेते हैं हाँ। वो कैंडिडेट हैं जो किस तरीके से हाँ। क्या प्रोसेस है बिल्कुल तो पहला जो जो first, हाँ, पहला भी जो 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 प्रोसेस प्रोसेस फर्स्ट है कि वो लीडर निश्चित रूप से तो पहला जो प्रोसेस होता है वो नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन होता है चुनाव की अधिसूचना इसके साथ ही जो है ना लोगों को पता चलता है कि भाई देश में चुनाव होने जा रहा है अगर स्टेट में है तो गवर्नर उसे डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे जो है अधिसूचना जारी हाँ, करेंगे और देश लोकसभा का चुनाव है हाँ, तो हाँ, राष्ट्रपति हाँ, अधिसूचना जारी करता है और उसकी घोषणा चुनाव आयोग के द्वारा की जाती है ठीक दूसरा हो गया कि फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन नामांकन पत्र जो है दाखिल करना बेसिकली ये क्या होता है कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है चाहे वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हो या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो एक प्रोफार्मा होता है जिसमें उस व्यक्ति को अपना नाम है एज है पोस्टल एड्रेस है या मान लो कि किस कॉन्स्टिचुएंसी में उसका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है उसका सीरियल नंबर क्या है इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं ठीक है उस प्रोफॉर्मा में भर के मैंने जो उसके लिए प्रेस्क्राइब प्रोफॉर्मा होता है उसमें सारी इंफॉर्मेशन को फिलअप करने के बाद वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये जमा करता है तो ये हो गया आपको फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन नामांकन पत्र दर्ज करना यानी जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहता है चाहे वो किसी पार्टी से संबद्ध हो या फिर किसी पार्टी से नहीं हो तो वह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में भी इलेक्शन फाइट कर सकता है नेक्स्ट है सिक्योरिटी डिपॉजिट प्यारे बच्चों सभी कैंडिडेट्स को जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं अगर वो यदर देन एस सी एस टीज हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को छोड़ करके बाकी जो कैंडिडेट हैं उसके लिए पच्चीस हज़ार रुपये जो है उन्हें सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता है और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अगर हैं तो साढ़े बारह हज़ार रुपये उन्हें सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में जमा करना होता है अब ये बेसिकली होता क्या है कि कुल मान लो कि जितने भी मतदान वहाँ पे होता है अगर उसका वन सिक्स्थ जो है ना अगर वो कैंडिडेट प्राप्त नहीं करता है तो उसके जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फोरफिटेड हो जाएंगे वो उन्हें वापस नहीं मिलेंगे जी यानी सपोज करो कि अगर मान लो कि 600 वो वोट अगर डाले गए तो नहीं. उसका वन सिक्स कितना हो गए? जाएगा मान लो कि तो सिक्स हंड्रेड को अगर हम मान लो सिक्स से डिवाइड कर देते हैं तो मान लो कि वन हंड्रेड हो गया अगर वन हंड्रेड और वो भी वोट अगर वैलिड हो यानी छ सौ के छ सौ वोट वैलिड हैं और उसमें से अगर हंड्रेड वोट उस कैंडिडेट को प्राप्त नहीं होता है तो उसके द्वारा जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया गया है अगर जनरल या ओबीसी कैंडिडेट हैं वो ट्वेंटी जमा किया गया है वो फोर हो जाएंगे वो उन्हें नहीं मिलेंगे ठीक है और अगर मान लो कि वन सिक्स से ज्यादा अगर वैलिड वोट उसने हासिल कर रखा है तो चाहे वो जीते या कैंडिडेट या हारे उसके पैसे वापस हो जाएंगे उसी प्रकार से जब सभी मान लो कि कैंडिडेट उसके लिए भी टाइम फिक्स होता है कि कब से लेकर के कब तक मान लो उम्मीदवारों के द्वारा ये अपना नामांकन पत्र जो है ना दाखिल किया जा सकता है फिर इसके बाद क्या होता है उसकी स्क्रूटनी होती है जाँच होती है और अगर पाया जाता है कि भाई उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कर रखा है जो इंफॉर्मेश दिए गए हैं वो सारे इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से फिल्डअप हैं ठीक है तो वो कहलाता है स्क्रूटनी और बाय द वे अगर शुरुआती दौर में किसी ने मन बनाया कि मुझे इलेक्शन लड़ना है उसने नॉमिनेशन फ़ाइल किया और बाद में उसे लगता है कि नहीं मुझे चुनाव नहीं लड़ना है तो ये अपने नाम को वो विदड्रॉ भी कर सकता है ठीक है और एक दफ़े अगर मान लो कि उसने अपना नाम विदड्रॉ कर लिया उसके बाद फाइनली जितने कैंडिडेट बच जाते हैं तो उतने कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन होता है और फिर आपने देखा होगा कि नेक्स्ट जो है हमारा वो है इलेक्शन कैंपेनिंग जो है जिसको हम लोग कहते हैं चुनाव प्रचार और आजकल तो बहुत सारे मीडियम सोशल मीडिया चुनाव प्रचार भी हाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया हाँ है जब हम देखते हैं कि जैसे वोट होने वाले हैं मतलब हाँ वोटिंग होने वाले उससे पहले अच्छे से चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसमें हाँ हर जो नेता है वो अपनी क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं उन्होंने जो काम किया है उसके हाँ। बारे में बात करते हैं तो इस टाइम को समझते हुए जो स्टूडेंट्स हैं या जो वोटर्स हैं जो वोट देंगे उनको भी बहुत कुछ समझना चाहिए क्योंकि इतना अवेयर किया जाता है सारी तमाम चीज़ें बताई जाती हैं तो उनकी भी बहुत ही खास भूमिका लगती है कि बिल, उनको बिल्कुल, क्या बिल्कुल, करना है बिल्कुल एक तो क्या होता है जैसे आपने देखा कि टीवी के ऊपर या और आजकल तो जैसे मान लो कि व्हाट्सएप है या फिर मान लो कि दूसरे जो सोशल मीडिया के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं तो या, या यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ वगैरह अपलोड किए जाते हैं तरह तरह की जानकारी आपको दी जाती है उसी तरह से रैलीज हैं रोड शोज हैं या आपने देखा होगा कि जो इम्पोर्टेंट लीडर्स होते हैं उनके स्पीचेज होते हैं जगह जगह पर जो है और उनकी पार्टी के क्या प्रोग्राम्स हैं वो आपके लिए क्या मान लो कि प्लानिंग कर रहे हैं कि आपने अगर उन्हें सत्ता में बिठाया तो आपके लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं उसके उनके पास तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो है ना आपसे शेयर की जाती हैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान और मैं समझता हूं कि एक जागरूक मतदाता वही है जो तमाम चीज़ों को जानने समझने परखने के बाद अपने मताधिकार का प्रयोग करें आप केवल लोक लुभावन मान लो की नीतियों के पीछे ना जाएं आप देखें अगर कोई मौजूदा मान लो की गवर्नमेंट है तो पिछले समय में कौन कौन से प्रोमिस किए थे और जो प्रोमिस उन्होंने किए थे उनमें से कितनों को पूरा किया गया कितनों को नहीं पूरा किया गया वो सरकार कितनी जो है ना डिसीजन लेने में सक्षम है या वो सरकार कितनी जो है ना देश हित में बेहतर फैसले ले रही है तो इन तमाम पहलुओं पे गौर फरमाने के बाद ही हमें अपने कैंडिडेट का चुनाव करना चाहिए और सर कई बार तो हम अपना वोट भी वेस्ट हाँ, कर देते हैं हैं हम है हम सोचते कि कि क्यों क्यों जाएं घर से बाहर निकले। नहीं, मुझे तो लगता तो है यहाँ पर तो पर बहुत अवेयरनेस है आजकल जो ओल्ड एज हाँ, में भी हाँ, है हर ओल्ड एज में या यंग एज में भी लेकिन मैं फिर भी अगर देखा जाए तो अभी भी एक बहुत बड़ा मतदाताओं का वर्ग ऐसा है जो बड़ा उदासीन रवैया अपनाते हैं कि चलो जी आज इलेक्शन का दिन है आज छुट्टी है तो घर में बैठ बैठकर टीवी है देखते है। हैं मैं कहता हूं कि घर में बैठ करके या और किसी जो है ना प्लेटफॉर्म से किसी की आलोचना करना करना बुराई वो आसान है लेकिन जब आपकी जिम्मेदारी आती है अगर आप सही व्यक्ति का चुनाव नहीं करेंगे आप अगर सही नीतियों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि एक बेहतर एक सक्षम सरकार जो है ना देश में नहीं बन सकती है अगर सरकार बेहतर नहीं होगी तो उसके द्वारा जो बनाए गए कानून है वो भी देश और जनता के व्यापक हित में नहीं होंगे तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि तमाम

हमें देखनी चाहिए एक नागरिक होने के नाते जब हम एक लीडर का चुनाव कर रहे हैं बिल्कुल मैं यही कह रहा था कि बेसिकली कोई भी कैंडिडेट मान लो कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी से कॉन्टेस्ट कर रहा है वो कितना पढ़ा लिखा है उसका मान लो कि जो है बैकग्राउंड क्या है या आप अगर देखें तो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का तो नहीं है व्यक्ति या वो अगर कोई समाज से भी हो सकता है या ऐसा या कैंडिडेट है जो मान लो एक बार दो बार चुनाव जीत चुका है तो उसने आपकी कॉन्स्टिटुंसी के लिए क्या काम किया नहीं काम किया या फिर आप देखें कि उसके पास क्या विजन है चाहे वो युवाओं के लिए हो सकता है बुजुर्गों के लिए हो सकता है या मान लो जो हाउस वाइफ हैं या सभी मैंने मैं समझता हूँ कि क्षेत्र के सभी लोगों के लिए उनके पास कौन कौन सी स्कीम्स हैं इन तमाम पहलुओं पर जा जो है ना उनको जांचने पर रखने के बाद चाहे वो किसी जाति या धर्म को एक मैं समझता हूं कि जाति या धर्म के नाम पर आप मताधिकार कतई ना करें आप मान लो कि जिन कसौटियों पर किसी उम्मीदवार को कसना चाहते हैं वो यही होना चाहिए कि वो कितना पढ़ा लिखा है समझदार है अगर पहले हमने मौका दिया हुआ है तो उसने कितना बेहतर काम किया है क्या उसके पास विजन है हमारे क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी स्कीम्स वो लाने वाला है या अगर मान लो कि पहले से ही वो सदस्य है तो उसने कौन कौन से अच्छे काम किए हैं इन तमाम पहलुओं पे गौर फरमाने के बाद ही आप अपने मताधिकार का प्रयोग किए और प्यारे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जैसे इस चुनाव की अधिसूचना जारी होती है तो उसके साथ ही साथ जो है ना आदर्श चुनावी आचार संहिता लागू हो जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है जैसे मान लो रिलीजियस प्लेसेस है चाहे वो मस्जिद हो मंदिर हो गुरुद्वारा हो चर्च हो ये ऐसे स्थलों का इस्तेमाल हम चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकते हैं कोई भी व्यक्ति अगर मान लो कि सत्ता में वो बैठा हुआ है तो सरकारी मशीनरी का ऑफिशियल मशीनरी का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर सकता है या मान लो जो सत्तासीन है वो किसी नए ग्रांट्स को सेंगसंग नहीं कर सकता है नई स्कीम्स या किसी प्रोजेक्ट को वो वो लॉन्च नहीं कर सकता है स्टार्ट नहीं कर सकता है या उसी तरह से जो है मास मीडिया पे इस तरह का जैसे पार्टीजन कवरेज जो है या जिससे समाज में मान लो कि वैमनुष्य फैले इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मास मीडिया पर नहीं दिखा सकता है या एक चीज़ और देखा होगा कि जैसे हम कहते हैं कि हेट स्पीचेज कई बार होता है दो जो है ना समुदायों के बीच में इस तरह की एक तरह से घृणा का भाव उत्पन्न किया जा रहा है जिसका मकसद होता है पोलराइजेशन ऑफ वोट्स वोटों का जो है ना ध्रुवीकरण हो यानी एक खास मान लो कि धर्म के जाति के लोग हैं तो उनका ध्रुवीकरण हो जाए वो पोलराइज हो जाए और किसी एक पार्टी एक कैंडिडेट के फेवर में जो है वोट करें तो इस तरह की जो बातें हैं वो नहीं वो कर सकते हैं इसकी इजाजत चुनाव आयोग के द्वारा नहीं दी जाती है तो आप अगर प्रबुद्ध मान लो कि मतदाता हैं तो आप जो है ना इस तरह के जो है ना बातों के झांसे में ना आए और इसकी जो है ना आप शिकायत चुनाव आयोग को विभिन्न माध्यमों से दर्ज करा सकते हैं और प्यारे बच्चों आजकल तो जैसे देखा होगा कि पहले के ज़माने में बैलेट पेपर से चुनाव होता था आजकल है ई वी पी जो है ना ई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इसमें बेसिकली तीन चीज़ें होती है एक होता है बैलेट यूनिट जिसमें सारे कैंडिडेट्स के नाम होते हैं उसके सिम्बॉल्स होते हैं और उसके सामने एक बटन होता है ठीक है एक होता है कंट्रोल यूनिट जो आप आपको पीठासीन अधिकारी होता है उसके पास होता है जैसे वो एनेबल करता है तब और तभी जो है ना आपको वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकता है और एक वी वी पैट जैसे आज ही सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन इस बारे में आया है वी वी पैट का मतलब होता है वेरीफाइड जैसे वोटर्स वेरीफिएबल जो है ना आपको पेपर ऑडिट ट्रेल मतलब जिस कैंडिडेट को आपने वोट दिया उसका क्या सीरियल नंबर है क्या उसका सिंबल है तो ये एक बॉक्स टाइप से होता है उसमें एक छोटा सा स्क्रीन होता है और उस स्क्रीन पर सात सेकेंड तक वो डिस्प्ले होता है और फिर वो पर्ची गिर करके वो बॉक्स में नीचे चली जाती है तो वो इस चीज़ को वेरीफाई करता है कि जिस कैंडिडेट को आपने मान लो कि वोट दिया है तो आपका वोट उसी कैंडिडेट को गया अथवा नहीं गया तो मैं समझता हूँ कि जो है ना इससे ज़्यादा ऑथेंटिक और कुछ भी नहीं हो सकता है और हमारे देश में जो है ना। जी तो जो मतदान जो, की किया है वो पूरे देश में आज चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो लोकसभा का चुनाव हो या लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो हम लोग देखते हैं कि ई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा जो है चुनाव होता है और जैसा हमने कहा कि एक है बैलेट यूनिट एक तरफ है कंट्रोल यूनिट जो पिठासीन अधिकारी के पास होता है वो जैसे ही बटन प्रेस करेगा तब और तभी आप बैलेट यूनिट पर जिस कैंडिडेट को वोट करना उसके सामने वाले बटन को प्रेस करेंगे ठीक है और बीप की आवाज़ आएगी इट मीन्स है कि आपका वोट रिकॉर्ड हो गया है और बीच में वीवीपैट है उस मशीन पे एक छोटा सा स्क्रीन है जहाँ पे वो डिस्प्ले होगा सात सेकंड के लिए और अभी ना हमारे पास एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका सवाल है और बिल्कुल जान लेते हैं कि उनका क्या सवाल है क्या जानना चाहते हैं वो हेलो बिल्कुल हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो हमारे कॉलर हैं उनसे संपर्क हो जाए और उनका सवाल हम तक पहुंचे तो बात हो रही है लोकसभा चुनाव की और चुनाव की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है मुझे लगता है कि कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका सवाल हम शामिल करते हैं हेलो मैं मे, मेरा नाम रेखा है जी जी रेखा बताइए आपका क्या सवाल है मेरे, मेरे को ये सवाल है मैं सेवेंटीन ईयर्स ओल्ड हूँ वाले चुनाव तो में क्या करना चाहिए आपकी एज है सेवेंटीन और आप स्टूडेंट हैं और आप जानना चाहते हैं कि चुनाव हाँ आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए हाँ, कहा मेरे को वोटिंग वोटिंग राइट्स है कि नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं अभी जैसे देखो जी हाँ जी अरे रेखा चलो जी बहुत अच्छी बात है आप के अंदर जो है ना कि मतदान करने की उत्सुकता है तो जैसे ही आपकी उम्र 18 वर्ष हो जाएगी जो है ना तो आप मतदाता सूची में अपना नाम जो है दर्ज करा सकती हैं और उसके बाद इलेक्शन जो है ना कि कमीशन के, के द्वारा एक वोटर्स आई कार्ड आपको इशू किया जाएगा वो आप जाके दिखाएंगे या और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके दिखाने के बाद आप मतदान कर सकती हैं लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराना और आप तब और तभी करा सकते हैं जब आप 18 वर्ष की हो जाएंगी उसके लिए समय समय पर चुनाव आयोग के द्वारा जो है ना कि किस पार्टिकुलर डेट तक जो है ना आपको वोटर्स लिस्ट को अपडेट करना है इसकी भी जानकारी होती है और आजकल तो सोशल मीडिया पर इस तरह की बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं तो मैं समझता हूँ कि आप इंतजार करें अठारह वर्ष पूरे होने का मतदाता सूची में जो अपना नाम पहले दर्ज कराएं और एक जागरूक मतदाता के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें बिल्कुल तो बहुत बहुत शुक्रिया रेखा हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत अच्छा लगता है कि जब स्टूडेंट्स अपने अधिकारों को लेकर अलर्ट रहते हैं अवेयर हैं ये जानकर बहुत खुशी होती है बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी जो चुनाव है उनके बारे में हमारे साथ साझा करने के लिए तो चुनाव बिल्कुल वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है दो और कोई भी नेता आप लीडर चुनते हैं अपने लिए तो पाँच साल के लिए आप उसको चुनते हैं तो सोच विचार कर कर चुनिएगा कि आप किनको चुनते हैं जी अर्थ हुआ कि आप अपना भविष्य पांच वर्षों के लिए उनके हाथों में सौंप रहे हैं तो वो जागरूक हो समझदार हो आपके हो आपके प्रति समर्पित तो ऐसे लोगों को ही आप अपना भविष्य जो है ना सौंपे जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही तो सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करें क्योंकि आसान नहीं है एक अच्छे लीडर को चुनना तो सब कुछ आप पर निर्भर करता है इसी के साथ अब मैं अनुपुर कुल श्रेष्ठ इस सेशन से आपसे लेती हूँ इजाजत नमस्कार